मुझे नम्रता से कोई बात नहीं करनी है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ये कोई तरीका होता है? घर में क्या कुछ नहीं हो गया? दर्श की आंखें वापस आ गई, बट उसे कोई चिंता ही नहीं। क्या गलत कह दिया मैंने उसे? यही कहा ना, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करो। हर माँ यही एडवाइस देती। आज भी वो ट्रैवल कर रही थी। अपनी बेटी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम। ट्रैवल करिए का मतलब क्या होता है? दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पर फोन काम नहीं करता? आज रक्षाबंधन है, ये नहीं सोचा उसने कि आए घर पर अपने भाइयों के साथ थोड़ा वक्त बिताए, उन्हें राखी बांधे। अरे बाबा, वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने भाइयों को नहीं भूली, वो घर आना चाह रही है, वो घर आ रही है, वो और बहुत एक्साइटेड है। वो डॉक्टर से पहली बार मिलेगी पोस्ट ऑपरेशन उसके आंखों के साथ। सच? नम्रता आ रही है? हाँ आ रही है, वो भी त्योहार में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि गुण की परेशानी को लेकर जो घर में माहौल था उसे ठीक करने के लिए थोड़ा सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, गुण को लेकर हम सब परेशान रहे, लेकिन थोड़ी सेलिब्रेशन क्यों? आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए अंकल, घर की ऐसी डेकोरेशंस करूंगी, नम्मू को इतना स्पेशल फील करवाऊंगी कि उसे वापस अपने हस्बैंड के घर जाने का मन ही नहीं करेगा। आखिर दर्श इतने वक्त के बाद अपनी बहन से मिल लेंगे। अरे सिर्फ दर्श क्यों, दर्श और शोभित दोनों दोनों ही काफी दिनों बाद नम्रता से मिलेंगे। हाँ, मेरा मतलब दर्श और शोभित दोनों। दर्श की जिंदगी में इतने समय बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, उसकी बहन भी यहाँ पर आएगी खुशियां बांटने के लिए, उसे इतना अच्छा लगेगा, है ना बाबूजी? भाभी, वो दर्श के साथ मैं और पारुल भी एक नई शुरुआत करने की सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक बच्चा गोद ले लें, अगर आपकी और मोटे भाई की परमिशन हो तो। अच्छा अडॉप्ट? नहीं, क्यों नहीं? चेतन भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको हमारी परमिशन लेने की जरूरत है? ये इतनी खुशी की बात है। मैं क्या, बाबूजी, विपुल, हम सब खुश हैं, हमारा परिवार और बड़ा होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस पारुल। भाभी, भाभी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ चाची, क्या मिस कर दिया मैंने? नंदिनी, तुझे पता है क्या, दो खुशखबरियां मिस कर दी तुमने। एक तो चाची और चाचू ने अडॉप्ट करने का फैसला लिया है, चाची को, और दूसरा शोभित और दर्श की बहन नम्मू यहाँ आ रही है उन्हें राखी बांधने के लिए। राजवी आंटी, चाची, मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए होगी तैयारियों में। बिल्कुल। डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूंगी नंदिनी। एटीएम? सब आपको नंदिनी क्यों बोल रहे हैं? आपका नाम तो ईशानी है ना? शोभित भाई और चार्ली का बच्चा, जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी शोभित। ओ गॉड, अगर इसने देख लिया तो फिर से अपनी इमोशनल बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाएगा। चार्मी, मुझे बस प्लीज डोंट, अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मुझे कोई बात नहीं करनी है। एक सेकंड मेरी चार्मी, अभी तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब नहीं, अब ना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूंगा, ना हमारे बच्चे के साथ।
मैंने तुझे कानोड़ा की दो माओं की कहानी सुनाई थी ना, हाँ? जैसे यशोदा माँ ने कानोड़ा को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वो भी उनकी माँ थी ना। विनी, भले ही मैंने तुझे जन्म ना दिया हो, लेकिन मैं ना तुझसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना कि मैंने तुझसे ये बात छुपाई। भले ही मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन तू ना हमेशा मेरी बेटी रहेगी। क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे टमी में नहीं थी तो? तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, मुझे वो चलेगा। कीजिए भी तो अपनी यशोदा मैया को ही अपनी मम्मा मानते थे ना। वैसे ही तुम ही मेरी मम्मा हो, मेरी ऑल टाइम मॉम, यानी मेरी एटीएम। इस बात पे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पीनट बटर वाली चॉकलेट। ओके मैं लेके आती हूँ। ओ हेलो, आपको मैंने अपनी एटीएम दे दी ना। बी हैप्पी। ओके तुम ये खाओ। खाओ। ओके। वैसे बात तो सही कह रही है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तुम ऐसे झुको मत, तुम उठो। अरे मैं उठा देती हूँ। वो आपके होठों पर चॉकलेट लगा था। Thanks. अरे हटो। एटीएम चॉकलेट। आंटी, आप जो अपने गले में टैक्सी नेकलेस पहनती थी वो एटीएम का था ना? आपने उन्हें वापस दिया क्योंकि जो भी चीज दूसरों की होती है उसे हमेशा रिटर्न कर देना चाहिए। हेलो, सुनो, तुम क्या इस घर की मॉनिटर हो? जब देखो सबसे सवाल पूछती रहती हो। पहले देखो तो सही, तुम्हारी एटीएम के गले में वो टैक्सी नेकलेस है ना? देखो तो सही। चलो मेरे साथ, चलो। कहाँ? अरे विनी, नंदनी कम थी जो अब ये विनी भी मेरे और दर्श के बीच आने लगी। तुम कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर रूम में जाके रेस्ट क्यों नहीं कर रही? ये जूस पी लो, मेरे सामने फिनिश करो और जाके रेस्ट करो। ये अचानक से इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम्हें मुझ पर?
मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? प्लीज ये मत बोलो शोभित कि तुम्हारी वाइफ को गए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। जानी मैं बस तुम मैं तो बस क्या हाँ मूव ऑन कर गए, इसका मतलब तुम्हें गुण से कभी प्यार था ही नहीं। इतना कन्वीनियंटली तुम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाते हो ना, आई एम सॉरी लेकिन मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है। नहीं जानी यार, खुद को माफ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। मन में ना बस एक ही बात बार बार खाए जा रही है कि ऐसे टाइम में तुमने अकेले कैसे मैनेज किया होगा यार। कितनी मजबूर होगी कि यहाँ पे भाई की झूठी वाइफ बन के तुम इस घर में रहने के लिए तैयार होगी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी टू शोभित। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं हमारे बच्चे के साथ अकेली रह गई तो। तुमने तो हमारे बच्चे के बारे में बात तक नहीं की, तुम्हें बिल्कुल अटैचमेंट फील नहीं होती इससे? मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस तुम अकेली नहीं रहूंगी। नॉट फेयर, सबके पास भाई है लेकिन मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं राखी पहनाऊं, और मुझे भी भाई चाहिए। भाई कहाँ मिलेगा? भाई कहाँ मिलेगा? हाँ भाई तो तुम्हें वो तुम्हारी एटीएम और मिस्टर ग्रावल तुम्हें दे सकते हैं। क्यों नंदिनी? मां नमू कब आने वाली? बस एक घंटे में आती होगी। ग्रेट, मैं मुझे ना कुछ काम है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ जा जा। इतिन, तुम्हारे पास भी कोई भाई नहीं है ना, तो तुम भी किसी को भी राखी नहीं बांधती ना? नंदू, कल अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल आएगी मुझे राखी बांधने। पर मेरा ससुराल दूर हुआ तो लंदन वाले से करने वाली है शादी। हाँ तो कर भी ली तो क्या, पहले मैं बैलगाड़ी लेके छकड़े के स्टैंड तक जाऊंगा, फिर छकड़े के स्टैंड से दरिया तक, दरिया से नौका लेकर गांधीनगर, फिर गांधीनगर से हवाई जहाज लेकर लंदन, पहुंच गई लंदन, फिर लंदन की टैक्सी लेकर तेरे ससुराल तुझे राखी बांधने आ जाऊंगी। सरसा विधि, बहुत बातें हो गई। अब वो तुम्हारी जो मैथ्स टीचर है ना, कब से तुम्हारी राह देख रही है। चलो चेंज कर लो, ऐसे घर के कपड़ों में जाओगी क्या? पर आज तो फेस्टिवल है ना, और फेस्टिवल में तो हैप्पी होते हैं। मैं मैथ्स टीचर से मिलूंगी तो मैं तो सैड हो जाऊंगी। आइडिया, मैं ना तुम्हें सैड होने ही नहीं दूंगी। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करके जल्दी से वापस आ जाएंगे। चले चलो। कुछ खबर मिली गुन की? आपसे एक बात कहूं, आपने गुस्से में इतना कुछ कह दिया लेकिन इसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं थी।
जिस दिन तूने ये गले में मंगलसूत्र पहन लिया ने, शादी के पहले वाले सारे रिश्ते खत्म। और तुझे लग रहा है कि तेरे सुहाग से बढ़कर वो रिश्ते है नहीं, तो ये शादी खत्म। तू फैसला कर। मुझे पता है कि अब गुण की खबर सुन के पूरी तरह से टूट चुके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम नंदिनी को कसूरवार ठहरा है। ये तो गलत बात है ना। नंदिनी को कहा पता था कि राजवी मार्केट पर हमला करने वाली गुण निकलेगी। वो तो बस अपने ससुराल वालों का फर्ज अदा करने गई थी, और कुछ नहीं। तूने तो तेरे बहन की तरफ धारी कर ली है ना? हाँ, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू इतना क्या सोच रही है? अब शादी के बाद जीजा जी तेरे सब कुछ है। मैं तुझसे मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, तुझे तो पता है ना कि मैं अपने लिए प्रार्थना करने से पहले हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं चलती हूँ। मैं तू अपना चीचा जी का ख्याल रखना। खत्म हो गया नंदिनी? पानी खत्म? यार मैं नंदिनी को आवाज लगा रहा हूं, नंदिनी तो घर पे है ही नहीं। क्या करूं? लेकिन मैं तो हूं, आपके साथ कुछ पल अकेले बिताने का बहाना मिले इसीलिए तो पानी का वॉल्व बंद किया है मैंने। क्या वॉशरूम में पानी रखा भी है कि नहीं? क्या हुआ? आवाज दे रहे थे ना आप? ओह, नंदिनी को आवाज दे रहे थे। वो आदत हो गई ना नंदिनी के नाम से रिस्पॉन्ड करने की, तो कुछ चाहिए था आपको? पानी खत्म हो गया तो कोई? मैं हूं ना, मैं लेके आती हूँ। Thank you.
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।